हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाई आम की लौंजी। खाने बहुत टेस्टी लगती है, ये चटपटी होती है, इसमें खट्टा मीठा और स्पाइसी सारे इसमें टेस्ट होते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप कच्चे आम लिए हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया है, छील के धो के छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप गुड़ लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ मैंने छोटे चम्मच लिए हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच मेथी दाना लिया है। 1 गिलास पानी लिया है, ऑयल, हरा धनिया, 1 खड़ी लाल हरी मिर्ची, नमक लिया है और 1 चुटकी हींग। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे ऑयल 1 चमचा, तेल हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें राई, जीरा और मेथी दाना डाल देंगे। एक चुटकी हींग डाल देंगे। तो यहाँ हमारे मेथी दाना, राई, जीरा भून चुके हैं। तो जो हमने आम कट करके लिए थे, कच्ची कैरी, वो हम डाल देंगे। इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया। यहाँ मैंने छोटी छोटी आधी चम्मच लिए हैं। मसालों के साथ आप आधा 1 मिनट तक इसे भून लें। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। हम इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास। हाई फ्लेम पर हम पानी को बॉईल होने देंगे। तो यहाँ हमारे पानी में बॉईल आ चुका है और मैंने 2 मिनट तक इसको और पका लिया था। तो हमारी 50% आम पक चुका है, तो हम 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। गैस की फ्लेम कम रखें। तो हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके हम गुड़ को अच्छे से घोल लेंगे पानी में। तो यहाँ हमारा गुड़ पिघल चुका है, तो हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे आधा ढक के 5 मिनट तक हम पका लेंगे। तो हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ हमारी सब्जी भी थिक हो गई है, पर मुझे ज़्यादा थिक पसंद है इसलिए मैं इसे हाई फ्लेम पर और कर लूँगी थिक 2 मिनट तक। अगर आपको इतनी थिक पसंद है तो आप इस स्टेज पर गैस बंद कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इसे 2 मिनट तक और थिक कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखें। तो हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी सब्जी भी ठीक हो गई है, देखिए। हम गैस बंद कर देंगे। इसमें डालेंगे हम धनिया। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो
तो हमने सब्जी को सर्व कर लिया है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।